हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, ये शेयर की बात करें तो 322 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज इसमें एक बहुत बड़ी खबर भी निकल कर सामने आई है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर में आज बढ़िया तेजी है, 3.5% शेयर उछल गया है, 322 रुपए के ऊपर आया है, आज 10-10.5 रुपए के ऊपर एक बहुत बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिली है। और उसका एक रीजन भी है, और वो रीजन ये है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज 3% ऊपर उठा, क्योंकि क्रेडिट सूस ने इसके 22 लाख से तकरीबन 23 लाख शेयर खरीदे हैं, तकरीबन 23 लाख शेयर खरीदे हैं, जिसकी अगर टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 72 करोड़ की इसकी वैल्यू है। तो न्यूज कुछ इस तरीके से है कि फॉरेन ब्रोकरेज एंड वेल्थ मैनेजमेंट फर्म क्रेडिट सूस बॉट 22,93,306 शेयर ऑफ कंपनी थ्रू अ बल्क डील। तो बल्क डील में इतनी बड़ी क्वांटिटीज इन्होंने खरीदी है। और आपको बता दें कि क्रेडिट सोर्स एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है वहां पर फॉरेन की, और इनके बारे में जनरली बहुत ज्यादा अपडेट्स भी आते हैं तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। द डील वॉज कैरिड आउट, जो एवरेज प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर ये डील हुई है वो तकरीबन 311 रुपए के आसपास की ये डील हुई है। मतलब आप देखिए, जो आज 322 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है वो 311 के ऊपर इन्होंने खरीदा हुआ है। टोटल अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 71 करोड़ के आसपास है, 71-72 करोड़ के आसपास है। तो काफी बड़ी डील हम इसको कह सकते हैं, और एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर चीज हम कह सकते हैं कि इंडिया बुल्स में देखने को मिली है। क्योंकि देखिए, इंडिया बुल्स को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले काफी वक्त से शेयर में गिरावट का माहौल है। एक महीने में हालांकि 4% ये शेयर ऊपर जरूर उठाए, जिसमें आज के दिन की तेजी डेफिनेटली मायने रखती है। आप देखिए, 294 रुपीस तक का लो इसने बनाया है, और अगर पिछले एक साल की हम बात करें तो शेयर देखिए कहां से गिरकर नीचे आया है, 58% गिरा है एक साल में, 900 रुपए से गिरकर ये शेयर नीचे आया है, और 172 रुपए तक का लो भी बना चुका था। ये 172 रुपए तक का लो इसने बना दिया था, इसने 172 का लो बनाया था, वो भी बहुत ज्यादा दूर की भी बात मैं नहीं करूंगा, पिछले साल 10वें महीने, मतलब 3 महीने पहले इसने 172 रुपए का लो बनाया है, और आज 3 महीने बाद इसने डबल हो गया, ये शेयर डबल हो चुका है। यहां पर अगर हम बात करने जाए पिछले 3 साल की, तो आप देखिए 57% तक की गिरावट है, लेकिन आप देखिए 1420 रुपए तक का हाई इसने बनाया है, 1420 रुपए का हाई और 172 रुपए तक का लो, गिरावट आई, तेजी आई, और एक बहुत बड़ी गिरावट आई। अब धीरे धीरे शेयर तेजी की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मिड कैप स्टॉक है ये, तकरीबन 14,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इसका वॉल्यूम ट्रेड है, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। सेप्टेम्बर क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, और शेयर में तब से गिरावट चल रही है। आप खुद देख लीजिए नतीजे की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल सितंबर में 1,000 करोड़ के इनका नेट प्रॉफिट था, बाद में वो गिरकर 801 करोड़ हुआ, और अब वो गिरकर 710 करोड़ है, मतलब सितंबर 2019 में। तो क्वार्टर दर क्वार्टर गिरावट आ रही है, लेकिन एक चीज यहाँ पर अच्छी है कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। आप खुद देखिए कि 3,400 करोड़ के नेट सेल में कम से कम ये लोग 710 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि नेट सेल उतना ज्यादा नहीं है लेकिन प्रॉफिट काफी बड़ा मार्जिन ये लोग कर रहे हैं। 86% का जो मार्जिन है वो छोटा मार्जिन नहीं होता है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 21.72% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 47% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएस के पास है। हालांकि एफआईएस अपनी होल्डिंग बहुत ही ज्यादा गिराई है, 55% से गिरकर 47% तक आ चुके हैं ये लोग। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत कम है। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.35% की होल्डिंग है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 322 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर आप खुद देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC है यहाँ पर, जिनके पास 10.82% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.59% के करीब की देखने को मिली है, और डिविडेंड तो भैया ये बहुत ही बढ़िया पे कर रहा है, बहुत ही बढ़िया ये डिविडेंड पे कर रहा है। और अगर हम उसके बारे में बात करें उससे पहले आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, अभी भी वेरी बुलिश में है, तो टेक्निकल जो रेटिंग्स है
वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर है। यहाँ पर 72% लोग इसमें खरीदारी के लिए कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 22% लोग बेचने को कह रहे हैं, 6% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। 6% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। 2000% का डिविडेंड दे रहा है ये शेयर, 2000% का डिविडेंड। पी की बात करेंगे तो 4.73 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 26.27 है। बुक वैल्यू 403 के करीब की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.18 के आसपास है। ईपीएस 68 का है और डिलीवरीज तकरीबन 15 की यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखिए डिविडेंड बहुत ही बढ़िया ये शेयर पे कर रहा है, 2000% का डिविडेंड पे कर रहा है। कर्जा डेफिनेटली इनके पास इनके ऊपर है, 96,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। तो कर्जा एक बहुत बड़ा यहाँ पर जरूर है, कर्जा ज्यादा है इनके ऊपर। और तो और अगर हम बात करने जाए इनके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो 5 फरवरी को दिसंबर क्वार्टर के इनके नतीजे आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली नजर रहेगी कि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे जो आते हैं वो कैसे आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि थोड़े बहुत बेटर आए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कैसे नतीजे हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी ना करें, किसी ने खरीद लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी उसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि शेयर 1400 रुपए से गिरता हुआ नीचे आया है और आज इसने मानता हूं कि 170 रुपए के ऊपर ये शेयर पहुंचा था, उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक भी किया। लेकिन फिर भी हमें इसमें खरीदारी करने से पहले एक बार दिसंबर क्वार्टर के नतीजे को देख लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई नया स्टेप लेना चाहिए। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इंडिया बुल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।